ऑफ यू, आज हम एसेसरीज में हॉर्न के विषय में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक की समाप्ति के पश्चात आप जान पाएंगे वाहनों में हॉर्न की आवश्यकता क्यों है, हॉर्न कितने प्रकार के होते हैं तथा हॉर्न का वायरिंग डायग्राम। चलिए सबसे पहले बात करेंगे वाहनों में हॉर्न की आवश्यकता। सड़क पर ट्रैफिक, एनिमल्स तथा विशेष तौर पर मोड़ों पर न दिखाई देने वाले वाहनों के ड्राइवर्स को अलर्ट करने के लिए हॉर्न का प्रयोग किया जाता है ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार प्रत्येक वाहन जो सड़क पर चलती है उसमें हॉर्न का होना अति आवश्यक है। बात करते हैं टाइप्स ऑफ हॉर्न, हॉर्न के प्रकार। बेसिकली ऑटोमोबाइल में तीन प्रकार के हॉर्न प्रयोग किए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, नंबर एक बल्ब टाइप हॉर्न है, नंबर दो एयर प्रेशर हॉर्न, नंबर थर्ड इलेक्ट्रिक हॉर्न। पहले बात करेंगे बल्ब टाइप हॉर्न। इसमें एक रबड़ का बल्ब लगा होता है और बीच में रीड होती है और उसके पश्चात अंत में बिगुल होता है। इसमें जैसे ड्राइवर इस रबड़ के बल्ब को प्रेस करता है तो हवा इस रीड से होते हुए आगे बिगुल के द्वारा बाहर निकल जाती है। जब हवा इस रीड से निकलती है एक साउंड जनरेट होती है, फिर उस साउंड को हम बिगुल से बाहर कर देते हैं। ऐसे हॉर्न रिक्शा और हैवी व्हीकल्स में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है एयर प्रेशर टाइप हॉर्न। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इस प्रकार के हॉर्न में हवा के प्रेशर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें पावरफुल हॉर्न कहते हैं। इस हॉर्न में एक एयर कंट्रोल वाल्व रहता है जिसके द्वारा हवा इसके अंदर रीड में प्रवेश करती है और वहां पर हवा काफी प्रेशर के साथ इस बिगुल से बाहर निकल जाती है। ऐसे हॉर्न बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए ये जो एयर प्रेशर टाइप हॉर्न है इनको सिटी यानी शहर में इनका प्रयोग करना वर्जित है। ऐसे हॉर्न विशेष तौर पर हैवी व्हीकल्स में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल हॉर्न। इलेक्ट्रिकल हॉर्न इसमें बैटरी के करंट का प्रयोग किया जाता है, लगभग 8-10 एम्पीयर करंट इसमें प्रयोग होता है। ऐसे हॉर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेक एंड ब्रेक के सिद्धांत पर कार्य करते हैं तथा इसके अंदर एक डायफ्राम यानी स्टिकी डायफ्राम रहती है और सीवी पॉइंट वगैरह रहते हैं, तो जो सीवी पॉइंट के आपस में जुड़ने और टूटने से जो है डायफ्राम अप एंड डाउन होती है और क्या होता है कि एक लंबी बीप, एक कंटिन्यू बीप इसमें उत्पन्न होती है और एक बीप जो है वो हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हॉर्न का सर्किट। ये आप देख रहे हैं ये हॉर्न का सर्किट है, सर्किट डायग्राम है। इसमें ये हॉर्न रिले है, रिले का कार्य होता है पावर को कंट्रोल करना। इसमें तीन पिन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली पिन जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये हॉर्न स्विच है। हॉर्न स्विच का एक सिरा ग्राउंड किया गया है और दूसरा सिरा इस रिले के पिन से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये बैटरी है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ग्राउंड है तथा पॉजिटिव टर्मिनल जो है फ्यूज से होते हुए हॉर्न रिले से कनेक्ट है। फ्यूज इस सर्किट में इसलिए लगाया गया है ताकि यह जो है ज्यादा करंट को आगे नहीं जाने देता है। अगर किसी कारणवश सर्किट में करंट बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में यह फ्यूज क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। नेक्स्ट आप देख रहे हैं ये जो हॉर्न दिखाई दे रहे हैं, इनका एक सिरा नेगेटिव जो है ग्राउंड है और पॉजिटिव में ये जो है हॉर्न रिले से ये पॉइंट ये पिन जो है जुड़ी हुई है। कैसे कार्य करता है, जैसे हम हॉर्न स्विच को प्रेस करते हैं तो बैटरी का करंट जो है फ्यूज से होते हुए हॉर्न
रिले में पहुंचता है और उसके बाद हॉर्न रिले से यह उपकरण जो है इस हॉर्न में पहुंचता है और सर्किट जो है पूरा हो जाते हैं। इस प्रकार यह सिस्टम कार्य करता है। ओके, थैंक्स।